देखिए सोशल मीडिया पे आजकल जिस तरह का हेट कैंपेन चलता है, पेड जो किसी को टारगेट करने के लिए जो हेट मॉन्गरिंग किया जाता है लोगों के बीचों में, उनकी जात धर्म मजहब निकालकर समाज के बीच में जो दरारें पैदा करने की कोशिशें की जाती है, इसके रिपरकशन इसका असर कितना होता है ये हम लोग ने देख चुके हैं कि जो लिंचिंग्स होती है, जो समाजों के बीच में दरारें और दीवारें पैदा करने की कोशिश की जाती है सोशल मीडिया का सहारा लेकर। सोशल मीडिया बेसिकली अगर देखा जाए तो अच्छे कामों के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे बड़ा नेटवर्क और उससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट बात है कि इसी मीडिया का इस्तेमाल करते हुए दो समाजों के बीच में जिस तरह का भेदभाव पैदा करने की कोशिश की जाती है फॉर वॉट एवर रीजन, इसमें ज्यादातर तो पॉलिटिकल रीजन ही होते हैं कि अपना अपना पॉलिटिकल स्वार्थ हासिल करने के लिए ये कुछ हायर्ड लड़के को लड़के लड़कियों को लगाते हैं कि ये हेट मॉन्गरिंग करते रहे, हेट कैंपेन को जोर से चलाते रहे। तो इसकी तोड़ में आज औरंगाबाद के नौजवानों ने जिस तरह का एक स्टॉप हेट कैंपेन लॉन्च किया है वो यकीनन काबिले तारीफ बात है, क्योंकि आज ये वक्त की जरूरत है कि नौजवानों ने बाहर निकलकर आना चाहिए और ये प्लेटफॉर्म के जरिए हम मोहब्बत कैसा बढ़ा सकते हैं, दोस्ती कैसे बढ़ा सकते हैं, रिश्तों को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन है चंद लोग जो इसी हेट के जरिए अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने कारोबार कर रहे हैं, अपनी राजनीति चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। तो मैं मुबारकबाद देता हूं तमाम नौजवानों को, लाइफ स्किल्स के तरफ से जो एक टीम तैयार की गई है वो इस तरह के पोस्टर्स तैयार किए हैं और ये पूरे शहर के अंदर ये एक अवेयरनेस कर रहे हैं। और इनके एनालिसिस के हिसाब से जब से इन्होंने ये स्टॉप हेट कैंपेन शुरू किया है तो इसका असर धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। मैं इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कैंपेन के जरिए हमें सोशल मीडिया के ऊपर अब ज्यादा मोहब्बत देखने को मिलेगी, ज्यादा दोस्ती देखने को मिलेगी, रिश्ते मजबूत कैसे हो सकते हैं ये देखने की जरूरत रहेगी। एक बार फिर से विश द एंटायर टीम ऑफ दिस कैंपेन वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।